तो अभी तो केले खाए जा रहे हैं यहाँ पे, मैंने तो खाए नहीं है, ये खा रहे हैं, तो ये इन्होंने खा लिए हैं। तो अब बात करते हैं मोबाइल की। हे व्हाट इज़ अप गाइस, तो कैसे हो यारो। एंड सबसे पहले आपको चीज़ बता दूँ यार, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ बैठ के अंदर, एंड बाहर मैं गया नहीं, थोड़ी सी गर्मी से हो रही है। तो अब उससे क्या लेना, मतलब कि आपको तो बताना है ना, आपको समझ आना चाहिए, वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता। मैं वीडियो कहाँ बैठ कर बना रहा हूँ, कहाँ खड़े होकर बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो पूरी देखना। आज हम बात करने वाले इस मोबाइल की, वो कौन सा मोबाइल है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें जो अच्छी हैं इस प्राइस के हिसाब से, एंड कोई भी अदर ब्रांड आपको इस प्राइस पॉइंट पे वो चीज़ें नहीं दे रही है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो देख सकते हैं एंड उस मोबाइल को भी देख सकते हैं। तो चलो वीडियो में घुस लेते हैं अंदर। यार वो वाला मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा यहाँ पर बैठ के आता है, तो इसलिए तुम्हारा भाई बाहर आ गया एंड यहीं पर आपको बताएगा कि भाई क्या है कैसे है। तो गाइस अब बात करते हैं इस मोबाइल को कौन सी ब्रांड लेके आई है। ये मोबाइल जो लेके आई है वो है टेक्नो, इसका जो नाम है वो है टेक्नो स्पार्क 6 एयर, एंड ये लॉन्च हो चुका है इंडिया में, मैंने पहले बताया। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये प्रोवाइड करा रहा है वो आपको कोई भी अदर ब्रांड का मोबाइल प्रोवाइड नहीं करा रहा है। लाइक इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 8000 rupees में आपको 6000 mAh की बैटरी, लिटरली सच में भाई, एंड बहुत बड़ी बात है। एंड बात करूँ डिस्प्ले की, तो आपको 7 इंच की डिस्प्ले देखने मिलती है, जो कि HD+ डिस्प्ले, फुल HD+ डिस्प्ले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आपको रियर साइड पे 3 कैमरे का सेटअप देखने मिलता है, एंड जो मेन कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का है, एंड एक और जो कि नाइट की फोटो खींचने का काम आता है, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। एंड आपको एक चीज़ बता दूं, आपको रियर साइड पर 4 फ्लैश देखने मिलती हैं, कहाँ यहाँ पे जो अदर ब्रांड्स हैं वो आपको 4 कैमरे दे रही हैं, एंड टेक्नो ने आपको 4 फ्लैश दिए हैं रियर साइड पर। एंड जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो है 8 मेगापिक्सल का, एंड एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपको फ्रंट साइड पर भी 2 फ्लैश देखने मिलती हैं, 2 फ्लैश। एंड आज के जो ज़माना आ गया है यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं, जो अदर ब्रांड्स हैं, वो आपको फ्लैश नहीं दे रही फ्रंट साइड पे, एंड यहाँ पे आपको जो टेक्नो वो 2 फ्रंट फ्लैश प्रोवाइड करा रहा है। अगर बात करूँ प्रोसेसर की, तो आपको हमें मिलता है MediaTek का हीलियो A22, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा चिपसेट है, इस प्राइस पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटी मोटी गेमिंग, थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड छोटे मोटे टास्क होते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो ये तो इजीली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस के हिसाब से, कुछ ज़्यादा कंप्लेन हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार कंप्लेन करने के लिए जब होता है पहले और भी चीज़ें देखनी होती हैं, और चीज़ें कैसी मिल रही हैं। अब देख लो, 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, 7 इंच की डिस्प्ले मिल रही है, एंड इतनी बढ़िया आपको डिजाइन मिल रही है, फ्लैश वगैरह मिल रही थी सारी एकदम, जो एक नया सा ही। तो ये चीज़ें भी हैं जो कि काफ़ी अलग हैं, जो कि और कोई ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा है। एंड एक और काफ़ी अच्छी बात है, आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैंने को बताया जो उसका जो फर्स्ट वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो 8000 है, एंड जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है 2 और 32 का, 2 GB RAM, 32 GB इंटरनल स्टोरेज। एंड जो मेन हाईलाइट है इस मोबाइल की वो है इसकी बैटरी, एंड वो है इसकी डिस्प्ले। अगर आप एक बड़ी डिस्प्ले वाला मोबाइल चाहते हो कि भाई एक कम प्राइस पॉइंट पर एक बड़ी डिस्प्ले मिले एंड काफ़ी बड़ी बैटरी मिले, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है, दी बेस्ट ऑप्शन। एंड बहुत सी और भी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, चाहे आपको कैमरा हो, कैमरा भी काफ़ी डिसेंट से मिल जाए आपको, और भी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी बैलेंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो कैमरा हो, एंड जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लाइक जो भी होती हैं छोटी मोटी चीज़ें, वो भी ठीक हैं। आपको यही बताना था, अगर आपको मोबाइल ढूंढ रहे हो 7 से 8 हज़ार के बीच, एंड आपकी जो मेन प्रायोरिटी वो है डिस्प्ले एंड बैटरी, तो आप नो डाउट इस मोबाइल की तरफ जा सकते हैं, आपको इससे बेस्ट कोई भी अदर ब्रांड का मोबाइल प्रोवाइड नहीं कराएगा। बस मैं आज हम लोग से अगली वीडियो में, एंड यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, देख सकते हो ये, देख रहे हो ये पसीना है, तो यार एक लाइक जरूर कर देना एंड प्लीज़ जरूर कर देना लाइक। तो मैं समझ लगा अगली वीडियो में, एंड हाँ बस चैनल पहली बार आ रहे हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो एंड ना यार कहते हैं कैसे थक गया, बट आप करते ही नहीं हो, तो कर देना एंड कर देना है ना। तो बाय, और अपना थोड़ा ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें, प्लीज़ यार सेफ रहें, बाय।